हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज मैं एक और नई रेसिपी लेके आई हूँ। नई आई मीन सब यूज़ करते हैं, लेकिन इसको कैसे बनाया जाता है बहुत लोगों को नहीं पता है। तो मैंने यहाँ पे बनाने जा रही हूँ दाल और पटेटो का प्यूरी आपकी बेबी के लिए। सो यहाँ पे आपको पोटैटो पील करके छिलके इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। और ये जो दाल है 15 से 20 मिनट मैंने इसको सोक किया है। और चलिए फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच दाल ली है और थोड़ा सा पोटैटो लिया है, हाफ पोटैटो। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमेशा आपको 6 महीने के बच्चे के लिए अगर हम बना रहे हैं तो उसमें डबल पानी ऐड करना है ताकि अच्छी कंसिस्टेंसी बने, अच्छी प्योरी बने। तो यहाँ पे मैंने डबल पानी ऐड कर लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे चुटकी भर हल्दी। कुल इतनी सी हल्दी आपको ऐड करनी है। एंड अब हम इसको गैस पे रख लेते हैं। अब फ्लेम ऑन करते हैं और इसको हम अच्छे से बॉईल होने देते हैं जब तक कि आलू अच्छे से बॉईल ना हो जाए, मैश करने लायक ना हो जाए। तब तक हमें इसको बॉईल करना है और इसको एटलीस्ट आपको लगेगा 10 मिनट। बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है इससे, तो हम चेक कर लेते हैं पहले। इसे दाल जो है पकने में टाइम नहीं लगता बिकॉज ये सॉफ्ट थी, तो ये पक चुकी है अच्छे से। लेकिन आलू को ज़रा टाइम लगता है तो ये अच्छी तरीके से नहीं पका है, तो थोड़ा 5 मिनट और पका लेते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो उसको आप ऐसे ही प्योरी बना के देंगे। अगर 7-8 महीने का हो चुका है तो आप उसको ऐसे चम्मच से खिला सकते हैं, दाल खा लेता है बच्चा। आफ्टर 5 मिनट बाद में ये हमारा आलू और दाल दोनों अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसको मैश कर लेते हैं दाल और आलू को। इसमें हमें बस इसको ऐसे प्रेस करना है और आपकी प्योरी आपको मिल जाएगी। और अभी ये गर्म है तो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होने पे, ठंडा होने पे बेबी को दे। इसको ऐसे प्रेस करते करते बिल्कुल इसमें दाल नहीं बची है, आलू भी नहीं बचा है, तो ये आपकी प्योरी बन गई है पूरी। इसमें कुछ भी वेस्ट नहीं होगा, ऐड कर देना, क्योंकि आलू भी फीका होता है और दाल भी फीकी होती है, तो उससे बेबी को टेस्ट नहीं आता। अगर आपका बेबी मीठा पसंद करता है तो आप शुगर ऐड करें। अगर आपके बेबी को मीठा नहीं पसंद है तो आप थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। रेसिपी तैयार है और बहुत हेल्दी होती है और बहुत टेस्टी भी लगती है बच्चों को, तो आप ज़रूर ट्राई करें।